दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मैंने एक एलईडी टीवी की वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने स्टैंडर्ड टीवी, स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी में डिफरेंस बताया था, और ये भी बताया था कि आपको एंड्रॉयड टीवी क्यों लेनी चाहिए और उसका क्या रीज़न है। अगर आप इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि आप अगर एंड्रॉयड टीवी लेना चाहते हैं 32 इंच के अंदर, तो आपको कौन सी एलईडी टीवी लेनी चाहिए। तो इसी टॉपिक को कवर करते हुए हमने आज की वीडियो बनाई है, टॉप 5 32 इंच एंड्रॉयड एलईडी टीवी जिनकी प्राइसिंग 15,000 या इससे नीचे की हो। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले की बात करें तो MI की, Realme की, OnePlus की या Motorola की टीवी 15,000 के नीचे की रेंज में आपको मिल जाती थी 32 इंच के अंदर, लेकिन आज की डेट में ये सभी टीवीज के प्राइस 16, 17, 18 या 20,000 तक मिल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मैंने कवर करा है कि मैंने चुनी है कुछ 5 ऐसी टीवी जिनकी प्राइस रेंज 15,000 या इससे नीचे रहने वाली है। वो एंड्रॉयड भी होगी, उसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स भी होंगे, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी और डिस्प्ले क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उस एलईडी टीवी को तभी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया है जब उसके रिमोट में वॉइस कमांड का भी बटन हो। तो इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, 5th रैंक की एंड्रॉयड टीवी की बात करें तो उसका नाम है iFalcon 32FA2 2021 एडिशन। अगर इस एलईडी टीवी की डिस्प्ले की बात करें तो HD रेडी पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा, A+ ग्रेड के साथ 280 निट्स की ब्राइटनेस लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 20 वाट के स्पीकर्स मिलेंगे और डॉल्बी ऑडियो को ये स्पीकर सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें इस एलईडी टीवी की रैम और स्टोरेज की तो 1GB की रैम मिलेगी आपको और 8GB की स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें इस एलईडी टीवी के पोर्ट्स की तो यहाँ पर 2 HDMI पोर्ट मिलेंगे, 1 USB पोर्ट मिलेगा, 1 AUX का पोर्ट मिलेगा और 1 ब्लूटूथ फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। माइक्रो डिमिंग को ये एलईडी टीवी सपोर्ट करती है और इसके रिमोट में आपको वॉइस कमांड का बटन भी मिलने वाला है। अगर बात करें प्राइसिंग की तो 13,499 की ये टीवी मिलेगी अमेजन पर। जो फ्लिपकार्ट पर इसका मॉडल है वो 16 वोट के स्पीकर्स के साथ। चलिए अब बात करें 4th रैंक की टीवी की तो वो आती है कोडेक्स 7X प्रो। इस एलईडी टीवी की बात करें, इस एलईडी टीवी के अंदर A+ ग्रेड का पैनल मिलेगा, HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ, ब्राइटनेस निट्स यहाँ पर काफी अच्छी मिल रही है 400 निट्स की। अगर बात करें इस एलईडी टीवी की स्पीकर्स की तो 24 वोट के स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें इस एलईडी टीवी की रैम और स्टोरेज की तो 1GB की रैम मिलेगी, 8GB की स्टोरेज आपको इस एलईडी टीवी में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें इस एलईडी टीवी के पोर्ट्स की तो 3 HDMI के पोर्ट मिलेंगे, 2 USB के पोर्ट मिलेंगे, 1 AUX का पोर्ट मिलेगा और ब्लूटूथ का फीचर भी इस एलईडी टीवी के अंदर इनेबल है। MEMC टेक्नोलॉजी इस एलईडी टीवी में भी आपको मिल जाएगी और वॉइस कमांड का बटन भी इसके रिमोट में आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो 13,999 की एलईडी टीवी पड़ेगी आपको, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह पर ये अवेलेबल है। चलिए बात करें 3rd रैंक की एलईडी टीवी की तो ये आती है थॉमसन की 9A। दोस्तों, इसका प्रॉपर मॉडल जो मैंने बोला है यही मॉडल अगर आप फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे तभी ये मॉडल मिलेगा। इस एलईडी टीवी के डिस्प्ले के अंदर आपको A+ ग्रेड मिलेगा HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ, यहाँ पर भी आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, 24 वाट्स के साउंड स्पीकर्स मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर बात करें इस एलईडी टीवी की रैम और स्टोरेज की तो 1GB की रैम और 8GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर अगर बात करें पोर्ट्स की तो यहां पर भी आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 AUX पोर्ट और ब्लूटूथ का फीचर इनेबल मिलेगा इस एलईडी टीवी के अंदर। माइक्रो डिमिंग को ये एलईडी टीवी सपोर्ट करती है और वॉइस कमांड का बटन भी इसके रिमोट के अंदर मिल जाता है। अगर बात करें प्राइसिंग की, 14,499 रुपए इसका प्राइस है, फ्लिपकार्ट पर ये एलईडी टीवी अवेलेबल है। अब बात करें 2nd रैंक की एलईडी टीवी की तो उसका नाम है नोकिया एंड्रॉयड एलईडी टीवी जो कि हाल ही में कुछ ही समय पहले लॉन्च हुई थी। इस एलईडी टीवी के अंदर VA पैनल मिलेगा, यहां पर भी HD रेडी रिजोल्यूशन मिलेगा, ब्राइटनेस 325 निट्स की देखने के लिए मिलने वाली है, स्पीकर्स काफी अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि होंगे 39 वॉट्स के जैपनीज साउंड ऑनक्यो साउंड को सपोर्ट करते हैं इस स्पीकर। इस एलईडी टीवी के अंदर 1.5GB ऑफ रैम मिलेगी और 8GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी आपको, 3 HDMI के पोर्ट मिलेंगे, 2 USB के पोर्ट मिलेंगे, 1 AUX का पोर्ट मिलेगा और ब्लूटूथ का फीचर भी इस एलईडी टीवी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। माइक्रो डिमिंग को ये एलईडी टीवी सपोर्ट करती है और वॉइस कमांड का बटन भी इसके रिमोट के अंदर आपको मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो इस एलईडी टीवी का प्राइस आपको मिल जाता है 14,999 रुपए। ये एलईडी टीवी सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल है। चलिए बात करें नंबर 1 एलईडी टीवी की, मैंने उसको नंबर 1 रैंक क्यों दिया है उसके बारे में आगे बात करेंगे। नंबर 1 रैंक पर आती है ब्लॉक पंकट की एंड्रॉयड एलईडी टीवी जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। फ्लिपकार्ट पर ये एलईडी टीवी आपको मिल जाती है, HD रेडी IPS पैनल मिलता है आपको यहाँ पर 400 निट्स के साथ जो कि काफ़ी अच्छी बात है IPS पैनल इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलना। 40 वाट्स के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि पहले की किसी भी एलईडी टीवी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिले थे। यहाँ पर अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो 1GB की रैम मिलती है और 8GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। इस एलईडी टीवी के अंदर भी 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, 1 AUX पोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ का फीचर भी इनेबल मिलता है आपको इस एलईडी टीवी के अंदर। इस एलईडी टीवी के अंदर DLED टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और वॉइस कमांड का बटन भी इसके रिमोट के अंदर मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो 14,999 रुपए
है फ्लिपकार्ट पर एलईडी टीवी अवेलेबल है। आईपीएस का पैनल होना, 400 निट्स की ब्राइटनेस होना, इस 40 वॉट के स्पीकर होना इस एलईडी टीवी को नंबर वन रैंक बनाता है। दोस्तों आपकी नजर में कौन सी एलईडी टीवी नंबर वन रैंक पर है उसका नाम कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अगर कोई एलईडी टीवी इस प्राइस रेंज के अंदर बताने के लिए रह गई हो इस वीडियो में तो उसका नाम भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे लाइक राइट फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।